नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनम जेनम भर्ती 2018 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3674 में से 2500 को यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। जैसा कि माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा ने भी बताया था कि माननीय सीएम साहब के आदेश निर्देशानुसार यहाँ पर जो बिना कोर्ट केस वाले हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं 3674 में से लगभग 2500 को यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी और जो लगभग 1100 जो 75 पद हैं जो रिजर्व रखे जाएंगे वो कोर्ट केसेस के लिए यहाँ पर रिजर्व रखे जाएंगे। मैं बता दूं सबसे ज्यादा एनम में यहाँ पर रिजर्व पद जो है वो रखे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें लगभग 3 से 4 पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो संविदा कर्मचारियों की ज्वाइनिंग जो है 29 अप्रैल से मानी जाए, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा 3674 में से 2500 कौन से व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा 1175 या जो 76 हैं वो कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर पोस्टिंग अभी नहीं मिलेगी, इनको अभी होल्ड किया जाएगा। साथ ही नोशनल लाभ, इसके अलावा पीएच डाइवोर्स फ्रेशर्स स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर चिकित्सा विभाग द्वारा नोशनल बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं संविदा कर्मचारियों को नोशनल बेनिफिट देकर नियुक्ति जो तिथि है वो 29 अप्रैल 2020 से यहाँ पर सरकार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आदेश है इससे संबंधित वो सितंबर 2020 में यहाँ पर जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों जो संविदा कर्मचारियों को है जो नियुक्ति तिथि है वो 29 अप्रैल 2020 से यहाँ पर मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इनको बेनिफिट दिया जाएगा, साथ ही जो आदेश है वो सितंबर 2020 में जारी हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो वंचित अभ्यर्थी हैं 3674 उनकी पोस्टिंग को लेकर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वंचित अभ्यर्थी हैं 3674 उनमें से यहाँ पर 1100 जो 75 पद हैं या 74 पद वो रिजर्व रखे जाएंगे कोर्ट केसेस के लिए। इसके अलावा 2499 या अप्रोक्स 2500 को यहाँ पर नियुक्ति मिलने जा रही है। जी दोस्तों, पीएच कैंडिडेट हो चाहे विडो हो, डाइवोर्स हो या फ्रेशर हो, यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। और कोर्ट केसेस के लिए यहाँ पर जो माननीय चिकित्सा डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 1100 जो 75 पद हैं वो यहाँ पर कोर्ट केसेस के लिए होल्ड किए जाएंगे। जी दोस्तों, लगभग यहाँ पर 2500 पदों पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है और ये ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो जो सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर जो एनम जेनम भर्ती 2018 है उसमें लगभग 3674 में से 2500 को यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी और जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर पूरी की जाएगी। संविदा कर्मचारी को यहाँ पर नोशनल बेनिफिट देकर जो नियुक्ति तिथि है वो 29 अप्रैल 2020 से मानी जाएगी और जो नियुक्ति आदेश, जो नोशनल बेनिफिट के जो आदेश हैं वो सितंबर 2020 में जारी होने की संभावना है। इसके अलावा वंचित अभ्यर्थियों में से जो 3674 में से 1175 पद यहाँ पर रिजर्व रखे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो रिजर्व पद हैं वो एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के यहाँ पर रखे जाएंगे। लगभग 1000 पद यहाँ पर एनम के रिजर्व रखे जाएंगे और 100 से 125 पद यहाँ पर जीएनएम के यहाँ पर रिजर्व रखे जाएंगे। लगभग 2500 अभ्यर्थियों को यहाँ पर पोस्टिंग चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाएगी, जिसमें पीएच, विडो, डाइवोर्स और फ्रेशर सभी को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। लेकिन जो 1100 जो 75 पद हैं वो यहाँ पर कोर्ट मैटर के लिए होल्ड किए जा रहे हैं। बाकी जो भी मैटर है, चाहे वो फ्रेशर हैं, डाइवोर्स हैं, विडो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन्हें यहाँ पर सभी को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, विभाग की जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2020 को निकली जो पोस्टिंग लिस्ट थी, जो 28 अप्रैल 2020 को निकाली गई थी एनएम और जीएनएम की, और जिसमें जिन संविदा कर्मचारियों को कोविड की वजह से यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी जाकर होल्ड रखा गया था, बाद में 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर विभिन्न आदेश निकाले थे जिनके माध्यम से यहाँ पर ज्वाइनिंग उनको दी गई थी, उनको यहाँ पर नोशनल बेनिफिट सरकार की ओर से देकर बड़ी राहत दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों,
29 अप्रैल 2020 से इनके प्रवीक्षा काल की गणना शुरू की जाएगी और जो जो आदेश है वो सितंबर 2020 में निकलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर जो 12,000 में से 9,000 को यहाँ पर पोस्टिंग यहाँ पर सरकार द्वारा दी जा चुकी है, जिसमें चाहे फ्रेशर शामिल हो चाहे संविदा कर्मचारी शामिल हो, और बाकी बचे जो 3,674 पद हैं उसमें से यहाँ पर सरकार द्वारा लगभग 2,500 पदों पर यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2,500 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी और 1,175 पद के आसपास यहाँ पर रिजर्व रखे जाएंगे। मैं बता दूं जो फाइल है इनकी जो नियुक्ति की वो यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय के पास अप्रूवल के लिए रखी गई है। माननीय सीएम साहब के आदेशानुसार इनको जल्द से जल्द नियुक्ति देने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर सितंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो 2,500 अभ्यर्थियों की वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो दोस्तों ये घोषणा है जो 2,500 को पोस्टिंग को लेकर ये माननीय जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघुजी शर्मा उन्होंने भी की है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा माननीय चिकित्सा मंत्री का, वो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जाइए आप वहां से देख सकते हैं। तो लगभग 1,175 पद होल्ड किए जाएंगे, जिसमें एनएम के सबसे ज्यादा पद लगभग 1,000 पद होल्ड किए जाएंगे और जीएनएम के लगभग 125 से 125 पद होल्ड किए जाएंगे और बाकी सभी की यहाँ पर पोस्टिंग लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। मैं बता दूं जो फाइल है वो निदेशालय से एसीएस साहब के पास भेजी गई है और जो भेजी गई थी और अब फाइल है वो मंत्री महोदय के पास अप्रूवल के लिए रखी गई है। पीएच डाइवोर्स विडो और फ्रेश सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर जल्द नियुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, सभी को राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों यहाँ पर 3,674 में से जल्द ही 2,500 अभ्यर्थी को पोस्टिंग मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।